गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो हीरोइंस फॉर्मूला की सीरीज और ये वीडियो का पार्ट थ्री है। और आपने पार्ट टू और पार्ट वन आपने देखा होगा, बेसिक का समझा होगा, हीरोइंस फॉर्मूला क्यों अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, कौन सी कंडीशन में हमें हीरोइंस फॉर्मूला यूज करना चाहिए, वो आपने पार्ट वन और पार्ट टू में देखा होगा। पार्ट टू के अंदर एक छोटा सा करेक्शन आपको कर लेना है। यहाँ पे मैंने ए बी इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू 3x लेना था, जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ पा रहा था, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। वैसे ही वो आंसर गलत नहीं है क्योंकि हमने ए बी इज इक्वल टू 20 ले लिया है और क्वेश्चन में आपको ए बी इज इक्वल टू 30 लेना था, बट ओवरऑल जो मेथड है वो एकदम करेक्ट है, तो आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वहां पे आंसर आना चाहिए 1500√3 और मेरा आया था 125√33, तो आंसर गलत नहीं है क्योंकि मैंने एक वैल्यू गलती से दूसरी ले ली है, तो इसलिए वो पूरा आंसर चेंज हो गया है, बट आप उसको करेक्ट करके कर लेना, ठीक है। तो अभी हम पार्ट थ्री के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे देखो पार्ट थ्री के अंदर ए बी इज इक्वल टू मिस आउट है, ए बी आपको नहीं दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू 18 है और ए सी इज इक्वल टू 10 है, और साथ साथ में आपको ए बी फाइंड करना है और आपको ए बी सी का एरिया भी फाइंड करना है। तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस ऐसे ये जो हीरोइंस फॉर्मूला है वो काफी इजी चैप्टर है, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपकी मिसप्लेस हो जाएगी और पूरा सम गलत हो जाएगा। तो जैसे मैंने गलती कर दी है वैसे आप भी गलती कर सकते हो, तो ध्यान रहे इस बात का कि आपको करेक्शन करते ही चलना है और धीरे धीरे ये क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपका ये पूरा आंसर आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया ढूंढने से पहले हम पहले ए बी ए साइड फाइंड करेंगे और फिर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हमारे पास गिवन में पेरीमीटर दिया हुआ है, मैं एक लाइन कर लेता हूं। हमारे पास पेरीमीटर गिवन दी हुई है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है, राइट। और ए बी इज इक्वल टू एक्स है, बी सी इज इक्वल टू 18 और सी ए इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, इक्वल टू 42। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 42। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 माइनस 28 x इज इक्वल टू 4 और यहां पे हो जाएगा मीटर। एक बार फिर से आप करेक्शन कर लें, एक बार चेक कर लें, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है माइनस पे तो आप एक बार, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं मैंने कैसे माइनस किया, 12 और यहां पे 3, 8 में से 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। और x हमारा ए बी था तो ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आपको 14 मीटर मिल गया, बी इज इक्वल टू 18 मीटर मिल गया और सी इज इक्वल टू 10 मीटर मिल गया। तो इस तरीके से हमने ए बी सी को फाइंड कर लिया है। अभी हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए स्टेप वन यूज करेंगे। स्टेप वन क्या था, टू फाइंड द पेरीमीटर। वैसे तो पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो स्टेप वन में पेरीमीटर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 मीटर दिया हुआ था, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है बट मैं एरिया को हमेशा मानता हूँ कि वो सेंटीमीटर में ही रहे, तो मैंने सब में मीटर ले लिया है, आप चाहो तो सेंटीमीटर ले सकते हो। पेरीमीटर मैंने 42 मीटर ले लिया है। अब सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 42 बाई 2 इज इक्वल टू 21 मीटर। अभी हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, टू फाइंड द एरिया। हमें एस की वैल्यू यहां से क्या मिली, 21 मीटर मिली, ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू 10। अब आराम से धीरे धीरे पूरा सम करेंगे ताकि गलती ना हो। तो एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस कितना आया था हमारे पास, 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 18, आप एबीसी पे ध्यान दीजिए, 21 माइनस 10, ओके। अब एरिया ए इज इक्वल टू 21, 14 में से 14 में कितना ऐड करें तो 21 हो जाए, वैसे भी 7 थ्री 21 होता है, तो हम क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, 18 है 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 21 माइनस 10 करना है तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ओके।
अब एरिया ए इज इक्वल टू आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आई, 21 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11। मैं यहाँ पे 21 को फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 21 को मैं 7 इंटू 3 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे देखो 7 इंटू 3 वापस आ रहा है इंटू 11। एरिया ए इज इक्वल टू 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 दो बार आ रहे हैं, तो मैं 21 का स्क्वायर कर लेता हूँ, 7 थ्री जा 21, 7 थ्री जा 21, 21 का स्क्वायर इंटू 11, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाता है, इसलिए एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 रूट 11 एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से आप ह्यूरेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले आपके पास जो साइड मिस है तो पेरीमीटर का यूज करते हुए दो साइड का सम करने के बाद आप उसको पेरीमीटर में से माइनस करा दो, आपको फर्स्ट साइड मिल जाएगी। उस साइड से आप ए बी सी कंफर्म कर लो, ए बी सी के बाद फर्स्ट स्टेप पेरीमीटर, सेकंड स्टेप पेरीमीटर बाय टू, और फिर तो आपको एरिया के अंदर एस ए और बी और सी और सी ए बी और सी के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू ही रखनी है। वैल्यू रखने के बाद आपको तुरंत आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेके चलिए ताकि आपको सॉल्यूशन करने में इजी हो जाए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर देखो ये पार्ट थ्री के अंदर ही हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इन आइसोस्केलेन ट्रायंगल, पहले तो हम एक आइसोस्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आइसोस्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल और बेस डिफरेंट होता है। मतलब ये दोनों साइड कैसी होगी, इक्वल होगी और ये बेस थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। इन आइसोस्केलेन ट्रायंगल इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, ये 12 मीटर है और ये भी 12 मीटर है। मैं हमेशा मीटर लेके चलता हूँ, आप चाहो तो सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है। ये 12 मीटर हो गया और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर दिया हुआ है 30 मीटर, सेंटीमीटर है मैंने मीटर ले लिया इसका, और बेस है, बेस वाली साइड आपको गायब है, मिस दिया हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। पहले आपको थर्ड वाली साइड ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद आप एबीसी कंफर्म कर पाओगे, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 30, राइट। अब ए बी कितना है 12, बी सी आपको मालूम नहीं है, और सी ए कितना है 12 इज इक्वल टू 30। 12 प्लस 12 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 24, एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया, अभी हमारा a कितना हो जाएगा 12 मीटर, b इज इक्वल टू 6 मीटर और c इज इक्वल टू 12 मीटर, ओके। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो एरिया निकालने का स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में क्या था हमारा, पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर तो दिया हुआ था 30 मीटर। सेकंड स्टेप सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर बाय टू, 30 का हाफ करो कितना हो जाएगा 15 मीटर। अभी थर्ड स्टेप के अंदर हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एरिया ए इज इक्वल टू एस कितना दिया था 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 और 15 माइनस 12, स्क्वायर रूट पूरा करना है। यहां पे देखो 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, यहां पे 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, फिफ्टीन में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ओके। अब एरिया ए इज इक्वल टू 15 को मैंने 5 इंटू 3 के फॉर्म में लिख दिया,
इस 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, इस 9 को मैंने 3 × 3 लिख दिया और इस 3 को मैंने 3 लिख दिया। अब एरिया ए इज इक्वल टू, देखो इनके आपस में ग्रुप्स बन रहे हैं तो मैं 3 × 3 स्क्वायर, 3 × 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे 5 और 3 बच रहा है, ये स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कट हो गया, इसलिए 3 बार आ गया और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 15 बचेगा। तो एरिया ए इज इक्वल टू 3 × 3 = 9 रूट 15, ये मीटर स्क्वायर में आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप हिरन्स फार्मूला के क्वेश्चंस कर सकते हो। ये पार्ट 3 था और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारी सीरीज के साथ। हम आपको हिरन्स फार्मूला पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन।